तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम लोग भारत के बेशकीमती हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के बारे में आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत के 500 साल से भी ज्यादा पुराने मेटल इनले हैंडीक्राफ्ट बिद्री आर्टवर्क के बारे में, जो कि कर्नाटका का GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी है। सो गाइस, ये आर्ट फॉर्म कर्नाटका के एक छोटे से गांव बिदर से निकला है और इस हैंडीक्राफ्ट का ये खासियत है कि ये यहाँ के बिदर गांव में बने बिदर फोर्ट की मिट्टी को ही लेके बनाया जाता है, जिससे इस हैंडीक्राफ्ट में काला रंग की फिनिशिंग आती है। और आज हम इसी हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, इस पूरे मेकिंग प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है मोल्डिंग। इस स्टेप में मिट्टी, रेजिन और कास्टर ऑयल को यूज करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मास्टरपीस से मोल्ड बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में बिदर की मिट्टी की जगह नॉर्मल मिट्टी यूज करी जाती है, जो कि बहुत जल्दी शेप ले लेती है और ठंडी भी हो जाती है। दूसरे स्टेप कास्टिंग प्रोसेस में पिघले हुए कॉपर और जिंक के मिक्सचर को मोल्ड में डाला जाता है। यहाँ पर 5% कॉपर और 95% जिंक का इस्तेमाल होता है और इसको मोल्ड में डालने के बाद कुछ देर तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है फाइलिंग। यहाँ पर पीस को मोल्ड से निकाला जाता है और स्मूथ करा जाता है, जिससे एक्स्ट्रा मेटल निकल जाए और पीस को एक अच्छी शेप मिल जाए। उसके बाद इस पीस को कॉपर सल्फेट को यूज करके एक टेम्परेरी ब्लैक कलर का कोट चढ़ाया जाता है, जिसके बाद आर्टिसन को इस पीस के ऊपर डिजाइन बनाने में और आसानी हो जाती है। स्टेप 4 होता है डिजाइनिंग एंड इंग्रेविंग। इस स्टेप में कारीगर अलग अलग औजारों को यूज करके डिजाइन को इस पीस पे कुरेदते हैं। इसे बनाने में काफी समय लगता है और मेहनत भी उतनी ही लगती है, तभी जाके इतना इंट्रिकेट डिजाइन इन मेटल के ऊपर बन पाता है। डिजाइनिंग होने के बाद इस पूरे मेटल के पीस के अंदर एक इंग्रेव बन जाता है, या कहें एक पतला सा गड्ढा बन जाता है, जिसके अंदर मेटल की तारें भरी जाती हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं इनले।
होता है इनले। ये है इस आर्ट फॉर्म का सबसे इंट्रिकेट स्टेप, जिसमें सिल्वर और गोल्ड की तारों को हैमर और चिजल की मदद से कुरेदे हुए डिजाइन की गहराइयों में बिठाया जाता है। इसमें पहले के समय में गोल्ड की तारें यूज करी जाती थी, पर क्योंकि दोस्तों अब गोल्ड काफी कॉस्टली हो गया है, तभी इस टाइम पे सिर्फ सिल्वर की तारों को ही इनले करा जाता है। ये काम इतने परफेक्ट तरीके से कारीगरों द्वारा करा जाता है कि आपको पीस को देख के पता ही नहीं लगेगा कि इसमें सिल्वर की तारें बिठाई गई हैं। स्टेप 6 होता है बफरिंग। मेटल वायर को इंग्रेव हो जाने के बाद पीस को एक बार फिर बफरिंग स्टेप के लिए भेजा जाता है, जहां पे इसको और फाइन ट्यून करा जाता है ताकि इस पे कोई भी ब्लैक कलर ना रह जाए। इस स्टेप में बफर, सैंड पेपर और फाइलर की मदद से पीस को इतना साफ सुथरा बनाया जाता है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मेटल बाहर ना आए और पीस बिल्कुल स्मूथ बन के निकले। स्टेप 7, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, जिसमें बिदरी फोर्ट की मिट्टी को इस्तेमाल करा जाता है। तो दोस्तों, इस मिट्टी की खासियत हम आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि इस ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को किस तरीके से करा जाता है। तो इस प्रोसेस में पीस को एक स्पेशल बॉइलिंग मिक्सचर के अंदर डाला जाता है, जिसमें 90% बिदरी मिट्टी और 10% अमोनियम क्लोराइड होता है। इस मिक्सचर को बहुत ही तेज आग पर बॉईल करा जाता है और एक टेम्परेचर आ जाने के बाद पीस को इस स्पेशल मिक्सचर के अंदर डाला जाता है और कुछ ही मिनटों में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड जिंक के साथ रिएक्ट हो जाता है और काला कलर छोड़ देता है, जिसे ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। वहीं पर सिल्वर पे कोई भी असर नहीं चढ़ता। तभी दोस्तों, जब हम बिदरी मेटल इनले आर्टवर्क देखते हैं, तो इसमें चांदी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लैक मेटल में से चमकती दिखाई देती है और इसी वजह से ये आर्ट फॉर्म और रॉयल लुक देता है। स्टेप 8, फाइनल फिनिशिंग। बॉइलिंग वाटर से निकालने के बाद इस आर्टिफैक्ट को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और थोड़ी सी ही देर बाद इस आर्टिफैक्ट को मुलायम कपड़े से रब करा जाता है ताकि सिल्वर पे जो भी थोड़ा बहुत काला कलर चढ़ गया है वो निकल जाए। तो दोस्तों, ये थे बिदर कला को बनाने के लिए टोटल 8 मेजर स्टेप्स। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बिदरी मिट्टी की खासियत के बारे में। ये मिट्टी कर्नाटका में बिदर किला की नींव से निकाली जाती है, जो कि हजारों सालों से आज तक हवा, पानी और धूप के कांटेक्ट में नहीं आई है। और दोस्तों, यहाँ के कारीगर इस मिट्टी को पहचानना बखूबी जानते हैं, जो कि लिटरली में मिट्टी को टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि ये मिट्टी बिदर की मिट्टी है कि नहीं। क्योंकि जब इस बिदर की मिट्टी को टेस्ट करा जाता है तो ये थोड़ी सॉल्टी टेस्ट या कहें नमकीन स्वाद की होती है, जिसके वजह से ही इसको यूज करके ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में हेल्प मिलती है। तभी इतने सुंदर बिदर मेटल इनले का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, ये था बिदरी कला के बारे में, जो कि आज भी 700 से ज्यादा आर्टिसंस इस कारीगरी को करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि एक छोटा सा बिदर गांव देश और विदेश में आज मशहूर हो गया है और इस कला को कॉमर्शियली
आर्ट लवर्स और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। सो गाइस, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी बिद्री कला से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक बाय बाय एंड बी सेफ, एंड जल्दी आएंगे एक नए आर्ट फॉर्म के साथ आपके सामने।